Namaskar. My name is Dr. Pratibha Phadke Gupta, and I live in Dayton, Ohio, USA. Welcome to Bollywood International Film Festival. Bollywood International Film Festival is a unique platform for all those artists, actors, producers, directors, where they can showcase their talents. It's my great honor and privilege to introduce to you Bollywood International Film Festival. It has been started from 2020. 2022 was the year when Bollywood International Film Festival was started. Today, it's in a third year. It's been initiated by Pratibha Sumanji and Yashpal Sharmaji. So, chaliye aate hain hum aapke paas fir se. Bollywood International Film Festival ke Let's Talk mein. और आज हमारे साथ बहुत ही उम्दा कलाकार बैठे हुए हैं जिनका परिचय कराने के पहले मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे लोग भी जुड़ते हैं जो अपने ट्रेडिशन को कामयाब रखते हैं. इसी कामयाबी के सिलसिले में मैं आप लोगों का परिचय कराती हूँ उन लोगों से जो आपके सामने अभी आने वाले हैं. चलिए हम फिर मिलते हैं निजामी ब्रदर्स से. आइए उनका हम परिचय करते हैं. नमस्ते निजामी ब्रदर्स जी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई भी, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपको पता ही होगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने अच्छी कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी देते हैं. तो आइए हम आपके साथ वो बातें करते हैं जो हमें करनी चाहिए. और पहले तो ये है कि मैं आप लोगों का स्वागत इसलिए करती हूँ क्योंकि आप तीनों ब्रदर्स ने एक बहुत ही बड़ी सेंसेशनल चीजें शुरू की हैं और अभी तक कामयाब रखी हैं. तो कृपया आप अपना स्वयं परिचय दें और अपना बताएं कि आप लोगों की क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कामयाब बताएं. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. वी आर ट्रेडिशनल निजामी ब्रदर्स फ्रॉम दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो, वहां से हमारा ताल्लुक है जी. मैं गुलाम मसूद निजामी, मैं जहाजेब निजामी, मैं आलमजेब निजामी. हम लोग ट्रेडिशनल निजामी ब्रदर्स के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और हम लोग दरबारी कमाल हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो से, वहां से हमारा ट्रेडिशन चला रहा है. जी जी. तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों ने इस ट्रेडिशन को जो है कामयाब रखने का जो सिलसिला किया है उसके लिए आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी और कहाँ से आप लोगों ने ऐसा शुरू किया कि आप अपनी जो ट्रेडिशन को मेंटेन जो कर रहे हैं उसके पीछे कौन सा बड़ा राज है जो आप लोगों ने मेंटेन किया? जी सबसे पहले तो बताऊं, हमारा जो ताल्लुक हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार से है वो पुरखों से चला आ रहा है. हमारे सारे पूर्वज एंसेस्टर सब उसी दरबार से चले आ रहे हैं और हमारा अपना घराना सिकंदराबाद घराना जी. और हमारे हमारे घराने के अंदर मैम बड़े 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 गायन सम्राट गुजरे हैं जी. और हमारे घराने के अंदर कव्वाली के साथ साथ शास्त्रीय संगीत भी गाया जाता है जी जी. इसमें बड़े बड़े बुजुर्ग हूँ, बड़े बड़े महान कलाकार हमारे घराने को हैं. कुदरतुल्ला खान साहब, किफायतुल्ला खान साहब, अजमतुल्ला खान साहब, बदी जमा खान साहब, अहमद जमा, मोहम्मद जमा. तो ये ट्रेडिशन वहीं से चला है और हमारा जो बताया लेगेसी चली आ रही है कई सदियों से, तो वहीं से दादा परदादा एंसेस्टर से चला आ रहा है. सीना बसीना हम भी इसी फील्ड में कव्वाली में शास्त्रीय संगीत में काम कर रहे हैं. बहुत खूब बहुत खूब. आपकी एक बात तो बड़ी मुझे पसंद आई ये कि आप लोगों ने अपने फैमिली ट्रेडिशन को कामयाब रखा और सारी दुनिया को ये भी बताया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसी चीजें होती हैं जिनको कामयाब रखना ही बहुत मुश्किल होता है. कभी कभी क्या होता है, इतने सालों का आपका जो चल रहा है कार्यक्रम चल रहा है वो आपने मेंटेन किया और मुझे उम्मीद है कि आपके नए जनरेशन के लोग भी जो आपके साथ अभी हैं
आपके परिवार के साथ जो लोग भी हैं वो भी इस ट्रेडिशन को कायम रखेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप ऐसा सहाय, क्योंकि जो कला होती है वो कला को तो पूरा इस तरह से सामंजस्य लगाना चाहिए ताकि वो पूरे समय चलता रहे, खत्म ना हो। और आप लोगों से मुझे एक और भी बात पूछनी थी, मुझे था कि आप लोगों ने एक मूवी थी उमराठा करके मूवी थी, उसमें आप लोगों ने एक कवाली का भी पेशकश की थी, उसके बारे में जरा आप बताएंगे तो बहुत खुशी होगी हमारे ऑडियंस को। जी हाँ, फिल्म उमरता जो हंसल मेहता जी की डायरेक्शन में फिल्म बनी, राजकुमार राव साहब उसके एक्टर्स थे जी। इस फिल्म में हम लोगों ने सहरा गाया जी, जो एक पुरानी रिवायत चली आ रही है हिंदुस्तान जी, की जी। जब शादी होती है तो सहरा बंदी होती है जी। तो बॉलीवुड में नुसरत फतेह अली खान साहब के सहरे दूल्हे का सहरा के बाद अभी तक कोई कव्वाली ऐसी नहीं आई थी, तो हमने उसमें सहरा गाया फिल्म उमरता में। उसके बोल हैं, सहरे के खिले हैं फूल, मेरे यार की शादी है, और शहजादा है दूल्हा, दुल्हन शहजादी है। अगर आपसे मैं एक गुजारिश करूं कि आप इस गाने को जरा गा के बता सकते हैं क्या, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर बताइए, हमारे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जितने ऑडियंस हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप जरूर जरा सुनाइए जी। बिल्कुल सुना दे। सहरे के खिले हैं फूल, सहरे के खिले हैं फूल, मेरे यार की शादी है, सहरे के खिले हैं फूल, मेरे यार की शादी है, सहरे के खिले हैं फूल, मेरे यार की शादी है, सहरे के खिले हैं फूल, मेरे यार की शादी है, शहजादा है दूल्हा, शहजादा है दूल्हा, दुल्हन शहजादी है, शहजादा है दूल्हा, दुल्हन शहजादी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, इतना आनंद आ गया मुझे सुन करके भी। और अगर यदि ये मूवी का गाना हम बजाएंगे तो हमें शायद बहुत ही खुशी होगी, और आपको जान के ये भी खुशी होगी, हमें बहुत ही खुशी इस बारे में हो रही है कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हम सब लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया आज हमारे से मुलाकात करने के लिए। तो थैंक यू यशपाल शर्मा जी, प्रतिभा सुमन जी, फॉर क्रिएटिंग दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट लाइक यू ऑल, राइट। सो अभी एक मुझे एक और सवाल ये पूछना था आपका कि आपने कवाली को तो बहुत बड़ी प्राथमिकता दी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कवाली का जो ट्रेडिशन है वो आजकल हमने देखा है कि कवाली जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं या फिर देखते हैं, उस कवाली में और आपकी कवाली में क्या डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैंने जब कुछ कुछ मूवीज में देखी हुई है मैंने, तो उसमें कुछ कुछ कवालियों को जो है उनका जो दिखाते हैं उन मूवीज में उनमें थोड़ा सा कुछ फर्क दिखता है मुझे, और जब मैंने आपकी निजामी ट्रेडिशनल ब्रदर्स की जो कवाली देखी उसमें, तो उसमें थोड़ा बड़ा डिफरेंस दिखा मुझे, तो अगर आप बता सके वो डिफरेंस है क्या और ऐसा क्यों होता है, और इसमें क्या चीज ऐसी है जो हमको कंटिन्यू करनी है और क्या डिफरेंस है, अगर आप बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसमें फर्क ये है प्रतिभा जी के जो हमारी जो कवालियां होती है वो रिवायती कवाली होती है, जो जिसको असली कहा जाता है। अच्छा, जो खानकाओं के दरबारों में जी कवाली गाई जाती है हमारी वो कवाली होती है। अब रहा बॉलीवुड का, बॉलीवुड में कवाली का ट्रेडिशन अलग तरह से पेश किया गया, जैसे कि पर्दा है पर्दा, और फिल्मों में जैसे ऋषि कपूर साहब आए उछलते कूदते हुए और वो स्टेज पर आ गए पर्दा है पर्दा। असल में ये सिर्फ एंजॉयमेंट है, लेकिन असली कव्वाली जो होती है वो वही होती है जो प्योर ट्रेडिशन होता है, जो बुजुर्गों के दरगाहों पर, और आजकल जो सूफी चल रहा है वो डिफरेंट सूफी है, लेकिन जो असली सूफी है वो यही है जो लोग जो हम पेश करते हैं। हालांकि बॉलीवुड में बहुत तरक्की हुई है सूफी को लेकर जी, क्योंकि हमारे रहमान साहब ने जो पिया हाजी अली, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, फयाकुन, ये जो अभी गाने आए हैं, कव्वाली आई है, इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है सूफी को लेकर, थोड़ा सा सूफी नजर आया है। तो ये सारा क्रेडिट एआर रहमान साहब को जाता है, जिन्होंने सूफी का थोड़ी सी झलक, जो असली सूफी है वो
दिखाई, बॉलीवुड को दिखाई, ख्वाजे मीर ख्वाजा या हाजी अली फयाकुन और दिगर कवालियों से। बहुत बहुत खूब आपका ये जो आंसर है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे खुद भी ये नहीं पता था कि कवाली जो होती है, हमने हमने जो कवाली देखते हैं स्टेज पर, जैसे आप लोग निजामी ब्रदर्स की जो ट्रेडिशनल निजामी ब्रदर्स की जो कवाली है और जो फिल्म के माध्यम से हमें दिखाया जाता है, तो हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है। परंतु आपने जो बोला बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस बारे में समझ करके। और मुझे एक और सवाल और पूछना था आप लोगों से, वो ये कि हालांकि आप लोग कवाली के बारे में अच्छा से बता रहे हैं, आप लोग कवाली में बहुत ही आपका बहुत सारे शोज भी होते हैं, मुझे एक बार और भी याद है कि आप लोगों ने जो सूफी संगीत को भी बहुत बहुत प्राथमिकता दी है, और उसके बाद भजन भी आपने बहुत गाए हुए हैं, तो उनकी जो उनका जो आपने मेल तोल जो किया है वो किस तरह से किया है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत और कवाली और ये सब चीजें कैसे जुड़ती हैं और किस तरह से जुड़ती हैं, तो उसके बारे में जरा आप बताएंगे तो हमारे बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो ऑडियंस हैं वो सुन रहे होंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप मुझे बताएं और हमारे ऑडियंस को बताएं तो बहुत अच्छा होगा। जी बताएं। जी शास्त्रीय संगीत जो है वो मेन फाउंडेशन है, चाहे किसी भी तरह का गाना बजाना हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो सूफी हो, चाहे दुनिया की और फॉर्म हो गाने बजाने की। जी जो शास्त्रीय संगीत है जिसको रागास बोलते हैं जी, वो बेस होता है जी, हर चीज हर गाना राग से रिलेटेड होता है और राग से बनता है जी। और क्लासिकल इंडियन क्लासिकल मौसिकी जो है हमारे हिंदुस्तान की देन है, उसी से ही कव्वाली आरंभ हुई। कव्वाली और शास्त्रीय संगीत अलग नहीं है, वो अच्छा। एक ही है मगर उसकी शाखें अलग अलग है। जी जी उसकी शाखें अलग अलग। अच्छा जी, तो शास्त्रीय संगीत जो आपने बताया, तो शास्त्रीय संगीत की पहले आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर इसके बाद आपकी जो और कलाएं हैं सूफी सिंगिंग कवाली और कई तरह की, वो उनसे उनसे जुड़ती रहती हैं और उसके बाद उसी से आप उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो अगर आपके आपके जहन में अगर कोई ऐसी और भी जैसे शास्त्रीय संगीत के लेकर के रागा के लोग लेकर के, यदि आपके पास कोई एक ऐसा भक्ति संगीत भी अगर है, अगर आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को ऑडियंस को, तो प्लीज जरूर सुनाएं, तो मैं भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे एक याद है कि अभी अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक भजन भी गाया हुआ था, तो अगर आप उसको गाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और हमारे ऑडियंस को भी बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो तैयार हो जाइए हमारे निजामी ब्रदर्स, तैयार हो जाइए आप लोग भी। जी एक हमारे भजन है जो हमारे परनाना ने तकरीबन 250 साल पुराना भजन, जो कि मेरे परनाना हमारे परनाना जो थे जी, वो हिंदुस्तान के पहले पद्म भूषण अवार्डी थे क्लासिकल। अच्छा जी, वेरी गुड। जी हाँ, तो जरा उनके बारे में बताएं, उनके बारे में बताएं आप, आपने गाना गाने से पहले यदि आप उनके बारे में बताएं तो हमें भी अच्छा पता चलेगा। जी जी बताएं। जी खुर्जा घराना, खुर्जा घराने के वो बहुत बड़े उस्ताद हमारे परनाना, उनका नाम उस्ताद हाजी अल्ताफ हुसैन खान साहब खुर्जा घराना जी। तो उनका एक गाया हुआ भजन वो आपके सामने पेश करेंगे मुख्तसर जी। तोरे बिना मोरे चैन नहीं, ब्रज के नंदलाला तोरे बिना मोरे चैन नहीं, ब्रज के नंदलाला पैया पारू बिनती करू, पैया पारू बिनती करू दारू गए बाला तोरे बिना मोरे चैन नहीं, ब्रज के अंधियारा। कहते हैं जिसको शाम वो आनंद कंद है, और जग में उसी के नाम की फैली सुगंध है, और लीला रचाने वाला
वही कृष्ण चंद है, 36 राग रागनी मुरली में बंद है, और हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इतना आनंद आया मुझे ये भजन सुन करके, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन करके। और यदि आप लोग जो अब ये अभी मुझे ये आश्चर्य ये भी हो रहा है कि आपने भी अच्छी बात बहुत बताई कि शास्त्रीय संगीत एक हमारे एक तरह से हमारा एक स्टैंप है, जो एक तरह की हमारी सब चीजों की एक एक तरह से पूरा उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग ऐसे बैठ करके बातें कर रहे हैं और आप लोग भी उस ट्रेडिशन को कामयाब रख रहे हैं। तो और मुझे एक बार और भी पता होनी चाहिए, हम सभी दर्शकों को भी पता होनी चाहिए कि शास्त्रीय संगीत और सूफी संगीत और कवाली और किसी तरह का भी जो संगीत होता है उसका एक जो है तारतम्य में जुड़ा होता है, हर चीज में किसी ना किसी से कोई राग से जुड़ा ही होता है। और आजकल की जो हमारे जो ट्रेडिशंस में मूवीज वगैरह में जो गाने वगैरह चलते हैं आजकल, तो उनसे आपका मुझे मालूम है कि आजकल की किस तरह के गानों की बहुत ज्यादा प्रचलन होता है। लेकिन अभी हमने देखा है कि कभी कभी सूफी संगीत और शास्त्रीय संगीत और जो कवाली होती है उन सब के बीच में कभी कभी थोड़े थोड़े हम कहीं खो गए हैं, उनका बहुत प्रचार ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो उसका आप क्या बता सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस कला को कामयाब रखें हमारे हिंदू कल्चर में, इंडियन कल्चर में, भारत के कल्चर में, बॉलीवुड कल्चर में, सब जगह। तो किस तरह से हम उसका प्रचार कर सकते हैं, आप लोग के पास ऐसा कौन सा साधन है और किस तरह से आप उसको ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, यदि आप बताएं तो हमारे दर्शकों को बहुत खुशी होगी। चलिए, ये कव्वाली जो भारत की एक विधा है, एक फॉर्म है जी, ये ना खत्म हुई है और ना खत्म होगी जी। एक दौर और गाने आते हैं, ये दौर आता है चला जाता है, लेकिन कव्वाली खत्म हुई है ना होगी, उसकी वजह है जी। क्योंकि कव्वाली जो हमारे सूफी सेंट है, क्योंकि कव्वाली जो शुरू हुई वो हजरत गरीब नवाज मोहिनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जी, वहां से कव्वाली जी जी वो उस जमाने में तकरीबन 800 साल पहले ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती के जमाने में जी सीमा हुआ करता था। अच्छा, जिसको महफिल सीमा कहते हैं और जो दफ पर होता था, लेकिन जमाना बदलता गया, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दौर आया, हजरत अमीर खुसरो का दौर आया, तो हजरत अमीर खुसरो ने उसको कव्वाली को और महफिल सीमा को और चार चांद लगाए, रागाज और कलाम, नए नए कलाम फारसी के, अरबी के, पूर्वी भाषा के हजरत अमीर खुसरो ने कलाम लिखे और 300 राग बनाए, और हजरत अमीर खुसरो ने कव्वाली का प्रचार किया भजन के रूप में भी, कव्वाली के रूप में भी, अरबी फारसी के अंदर और ब्रिज भाषा के अंदर, पूर्वी भाषा के अंदर उन्होंने ऐसी चीजें बनाई, क्योंकि उनका पैगाम यही था कि दिलों को जोड़ना और एकता का पैगाम करना, और कव्वाली के माध्यम से, भजन के माध्यम से लोग जुड़े रूहानियत जो चीज है, जो स्पिरिट जो चीज है उससे जुड़े, तो ये हजरत अमीर खुसरो का इसमें बड़ा योगदान रहा है। और साथ के साथ उसमें जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है उनका भी हजरत अमीर खुसरो साहब का ही योगदान है जी। जैसे कि जो पहले के जमाने में पखावत चलती थी तो आपने उसको बीच में से काट कर उसका तबला बनाया, वो भी हजरत अमीर खुसरो साहब की इजाद है। और सितार जी जो आप देखते हैं सुनते हैं वो भी हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का ही इन्वेंशन है। और उन्होंने पोइट्री में भी बहुत काम किया कि ऐसे पोइट, ऐसे शायर अभी तक पैदा नहीं हुए जिन्होंने फारसी और ब्रज भाषा, संस्कृत और फारसी मिलाकर पोइट्री लिखी। जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आधा सेंटेंस फारसी का और आधा सेंटेंस ब्रज भाषा का, जैसे कि जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल, ये आ गया फारसी जी। दोराए नैना बनाए बतिया ब्रिज, अरे वाह, जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल ये प्रश्न हो गया, और दोराए नैना बनाए बतिया ब्रिज भाषा, किताब हिजरा नदारा मैजा प्रश्न नले हो काहे लगाए छतिया ब्रिज भाषा। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है सुनाने का
तो क्या आप गा के सुना सकते हैं हमारे ऑडियंस को, जैसे अभी आपने बताया? बहुत खूब, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के। और आप जो है ना, इस वक्त मुझे इस बारे में खुशी इस बात की हो रही है क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा जो आपने हिस्ट्री के बारे में जो बताया कि कहाँ कहाँ से ये इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे ईजाद हुए और किस किस ने कहाँ कहाँ से शुरुआत की, और आपने भी बताया कि आपको 700 साल पुरानी जो ट्रेडिशन है आपने मेंटेन भी की हुई है, ये तो बहुत 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 एक उम्दा बात है। तो हमारे ऑडियंस को जरूर सुनना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि संगीत और कला जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम सब लोग जुड़ जाते हैं, और तो और इंसान और ह्यूमन बीइंग जो सब एक साथ जुड़ते हैं, सब एक बराबर है। तो इसके लिए मुझे आप जरा उसका मुझे सुनाएंगे तो हमारे ऑडियंस को बहुत खुशी होगी, प्लीज। बिल्कुल, फिल्म फेस्टिवल वालों के लिए हम लोग हजरत अमीर खुसरो का ये सूफियाना कलाम बतौर खास पेश कर रहे हैं जी। जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है, छाप तिलक सब चीनी मोसे नैना मिला के। जी। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी बाकी धार, और जो उभरा सो डूब गयो, सो डूबा सो छाप तिलक, छाप तिलक सब छीने रे मोसे नैना मेरा गे, छाप तिलक सब छीने रे मोसे नैना मेरा गे, आप तो सैया बने मनमोल, आप तो सैया बने मनमोल, आप तो सैया बने मनमोल, मोहे बेदम कर मेरे मोसे नैना मिला दे, खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के बल बल जइए, खुसरो निजाम के बल बल जइए, मोहे सुहागन की मेरे मोहे नैना मेरा देश नैना मेरा के मोसे नैना मेरा के मोसे नैना मिला के। वाओ वाओ, छाप तिलक, छाप तिलक सब दीनी मोसे नैना मिलाए के, बहुत बहुत मुझे लगता है कि अब मुझे आपके पास आना पड़ेगा और आप लोगों के से ये सब सुनना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब तो मुझे एक बात और समझ में ये भी आ गई है कि आप लोग का जो क्या बोलते हैं सामंजस्य जो है, कोऑर्डिनेशन, आप लोग की जो म्यूजिक का कोऑर्डिनेशन है बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आप लोग में शास्त्रीय संगीत और जो है कवाली और सूफी इन सब को मिला करके इतनी अच्छी खूबसूरत जो आपने सब बनाई हुई है, जो म्यूजिक बनाई हुई है, उसको तो हमारे सारे दुनिया को सुनना ही चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। इसलिए ये ऊपर वाले की दुआएं, ऊपर वाले का करम, और हमारे डैडी, हमारे वालिद साहब निजामी ब्रदर्स, जनाब गुलाम साबिर निजामी, गुलाम वारिस निजामी, उनकी दुआएं, उनका हमारे सर पे आशीर्वाद, और हजरत निजामुद्दीन औलिया का कलम, उस इन सब चीजों से हम लोग आगे ये सूफी ट्रेडिशन लेके चल रहे हैं। और आपको एक और बात बताऊं जी, अभी हंसल मेहता साहब का स्कैम 2003 आया है, उसके अंदर भी हम कव्वाली पेश करी है। अरे वाह, अभी आपने मुझे एक बात समझ में आई थी, थोड़े दिन पहले आपने मुझे बताई थी कि आप लोग का एक और एक नया आप लोग को एडिशन दिया जा रहा है आपको कव्वाली गाने के लिए, तो उसके बारे में जरा बताएंगे, आपकी जो अभी नई मूवी में कहीं आने वाले हैं आप लोग, तो उसके बारे में जरा बताएं हमारे ऑडियंस को। एक वेब सीरीज अभी आई थी स्कैम 1992 लास्ट ईयर,
अब आ रही है स्कैम 2003, ये हंसल मेहता जी की बनाई हुई वेब सीरीज है, तो इसके अंदर कव्वाली का एक पार्ट आया है जी। तो क्योंकि हंसल से हमारे पुराने रिलेशन में बहुत हमारे दोस्त हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं वो जी जी, तो ऐसे ऐसे ये स्कैम 2003 में बना रहा हूँ, इसके अंदर एक कव्वाली का पार्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कव्वाली का पार्ट आप सुनाए, जो कि वो नवंबर में आ रहा है क्योंकि उसके 5 वॉल्यूम आ चुके हैं और 5 बाकी के वॉल्यूम नवंबर में आ रहे हैं स्कैम 2003 के। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप सुना सकते हैं अगर आप लोग को अगर है परमिशन है सुनाने की तो आप सुनाएं तो जरूर अच्छा लगेगा हमें। वैसे तो इसमें थोड़ा सा वो होता है क्योंकि वो सस्पेंस वाला मामला होता है बॉलीवुड का जी, लेकिन जी। मैं आपको दो बोल सुना देते हैं, आपको दो बोल सुना देते हैं। ओके सारे निजारे रानी रे रे जा सारे गा मा पधा नी मा सारा नी बगा गा मारे सा मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला अर्ज तुझसे कर रहा हूँ अर्ज तुझसे कर रहा हूँ सुन ले मेरी ये सदा मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला। वाओ वाओ बहुत खूब मुझे तो उसमें देख करके ऐसा लग रहा है कि अभी वो मूवी जब वेब सीरीज रिलीज हो जाए और हम आपको जरूर देखें। बहुत खूब इतना आनंद आ रहा है मुझे सुन करके क्योंकि म्यूजिक ऐसी चीज होती है जो हमारे जहन में हमारे दिमाग में हमारे परिवार में हमारे सारे लोग जो जुड़ जाते हैं इस म्यूजिक से उसमें तो कोई जात परिवार कुछ नहीं होता। म्यूजिक ऐसी चीज होती है सारे लोगों को जोड़ देती है, शहर से जोड़ देती है, दुनिया से जोड़ देती है, इंसानों से जोड़ देती है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जब म्यूजिक बजती है म्यूजिक सुनाई देती है तो इवन जो हमारे पशु भी होते हैं वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनसे भी उनको भी मौसिकी इतनी अच्छी लगती है। मुझे समझ में नहीं आता था मेरे कि जानवर और इंसान सब में क्या फर्क होता है। एक दिमाग में जब म्यूजिक आ जाती है तो उससे आदमी ऐसा जुड़ जाता है तो उसकी तो उसका तो मैं जो कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु आप जैसे जो सिंगर वही बात प्रतिभा जी अपना प्रतिभा जी जी कि म्यूजिक एक थेरेपी है जी, ऐसा एक असर रखता है म्यूजिक जिसको सुर बोलते हैं जी, वो इंसानों नहीं इंसानों पे तो होता ही है जी, मगर उसका असर जानवरों पर भी होता है जी जी जी। तो जो राग होते हैं हमारे राग मारवा हो गया पूर्य धनाश्री हो गया और कई राग हजरत अमीर खुसरो के इन्वेंशन रागाज हो गए तो इसका असर इंसानों पे तो होता ही है जी, और मगर जी। इसका असर जानवरों पर भी होता है। बहुत खूब आपने मुझे सच में बताया ये बात बहुत ही उम्दे वाली बात है वो क्योंकि जब बांसुरी बजती है तो गाय जो होती है वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। हमारे कृष्णा भी उन्हीं म्यूजिक को बजाते थे तो गाय वगैरह जो है मंत्रमुग्ध हो जाते। तो म्यूजिक का तो आप बता रहे हैं हम सोचते हैं कि म्यूजिक का तो ऐसा है कि उसकी तो कल्पना करना भी इतना अजीब हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से आज सब हम जुड़ जाते हैं। और उसके लिए तो आपने जो बताया म्यूजिक थेरेपी के बारे में जो आपने बताया तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं अगर हम जो हमारी ऑडियंस सुन रहे हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से तो आप जरा बताएं क्योंकि कैसे ये सब चीज जुड़ सकती है और कैसे लोगों को फायदा भी हो सकता है तो जरा आप बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे ऑडियंस को। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं कि शास्त्रीय संगीत म्यूजिक एक ऐसी फॉर्म है जिसका असर होता है और हमने देखा है क्योंकि हम लोग जब ठाकुर जी की नगरी में गए वृंदावन में परफॉर्म करने गए हम तो वहां पर 5,000 साधु संत का जमावड़ा था पंडाल था जिसको पंडाल कहते हैं जी, तो जी। वहां पर जब श्री कृष्ण जी का भजन गाया जी
वहां पे एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ, इसमें जात पात धर्म नहीं, क्योंकि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, म्यूजिक हैज नो लैंग्वेज। और क्या जो हमने भजन गाया वो था कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, तो उसके दो बोल आपके के सामने हम प्रयोग कर रहे हैं, जो कि हमारे दादा की कंपोजिशन, हमारे दादा उस्ताद बदी उज़्ज़मा खान साहब उनकी ये कंपोजिशन है, और इसके जो बोल हैं लिरिक्स हैं वो नवाब हैदराबाद सादिक जंग साहब उनके लिरिक्स हैं, वो कंपोजिशन हमारे दादा की है, वो उसके बोल ऐसे हैं। अच्छा ऐसा अभी ऐसा करें हम लोग कि इससे पहले कि आप हमारे को खूबसूरत से गाने सुनाएं, हम अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहते हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वो अपने तीसरे ईयर में है, और इस वक्त हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं कृपया अपनी आपकी जो एंट्रीज हैं, फिल्म की एंट्रीज हैं, और जिस तरह की भी एंट्रीज आपको भेजनी है वो आप जरूर भेजें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो थर्ड ईयर हमने शुरू किया है वो उसके इसकी वो उन किसकी कृपा से हुआ है, मैं उनका नाम भी जानना चाहते हैं आप लोग, तो वो हैं प्रतिभा सुमन जी एंड यशपाल शर्मा जी, इन लोगों की वजह से आज हम लोग इस माध्यम से बैठे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमारे ऑडियंस से गुजारिश यही है कि आप लोग भी अपने अपने जो एंट्रीज हैं वो बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को जरूर भेजें, या तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएं www.biff.com, और आप उस पे भी जा सकते हैं, फिल्म फ्री वे पर भी जा सकते हैं, और अगर आपने अभी अपनी एंट्रीज भेजी तो आपको शायद 30% डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो आप जरूर जाएं BIFFF मुंबई, वहां पर भी जा सकते हैं, और आप उन सबके कॉन्टैक्ट किसी तरह से भी कर सकते हैं, वहाँ की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो अभी आप लोग सब लोग जो भी हमें सुन रहे हैं बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के इस लेट्स टॉक माध्यम से, तो आप लोग जरूर जाएं उस वेबसाइट पर और अपनी अपनी एंट्रीज भेजें। यू मस्ट बी द लकी वन देन, राइट? श्योर। सो ठीक है ट्रेडिशनल निजामी ब्रदर्स जी, अब आप अपना सुंदर सा गाना सुनाएं जो भी आप हमारे बारे में बात कर रहे थे, चलिए सुनते हैं आपसे। जी हाँ, ये जो मैं आपको बता रहा था ये कंपोजिशन हमारे दादा उस्ताद बदीउज़्ज़मा खान साहब की आपके सामने हमारे दर्शकों के लिए हम लोग पेश कर रहे हैं। रहमा पानी सारे दादा ने बारा मामा गरे गा कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे भूल में मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूल में के मैं वारी, कन्हैया याद है कुछ भी हमारी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत खूब, इतना अच्छा लगा हमें आपका सुनकर के, बहुत बहुत आनंद आया हमें। तो अब हम आपको एक और भी चीज आपसे पूछना चाहते हैं, वो ये कि आप लोग के जो परिवार में काफी लोग हैं और आप सब लोग जुड़ के जाते हैं, तो आप लोग क्या प्रैक्टिस वगैरह कैसे करते हैं आप उनकी, या फिर आप लोग का जो किस तरह से आप लोग का जो दिनचर्या होती है कैसे होती है आपकी, क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल हैं और आप लोग का शोज पूरे कंट्री में होते रहते हैं, और उसके बाद आप लोग को वर्ल्ड में भी बुलाया गया है एक दो बार आप लोगों को, तो जरा उसके बारे में दिनचर्या के बारे में बताएं, अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताएं, और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं अपने उनके बारे में भी जरा बताएं, तो बहुत खुशी होगी हमें। हम लोग रियाज करते हैं लेकिन उसका टाइमिंग बहुत शेड्यूल बहुत वैसा रहता है, क्योंकि परफॉर्मेंस रहते हैं हमारे दिल्ली में और आउट ऑफ दिल्ली ऑल ओवर इंडिया में, तो जो हम परफॉर्मेंस करते हैं वही रियाज हो जाता है। अच्छा 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 ओके। तो इससे पहले कि हम लोग अपने इस शो को एंड करें, मुझे आप लोगों से कुछ कुछ तो जरूर पूछना होगा। आप सब लोग अपने अपने बारे में जरा कुछ अलग अलग तरीके से बताएं कि आप लोग किस तरह से अपनी अपनी जैसे आपकी जो कामियत हुई है, जितनी आपकी काबिलियत हुई है उसके पीछे
किसका श्रेय है, किसने आप लोगों के पीछे थोड़ी सी, जैसे हम लोग क्योंकि हमारे परिवारों में सभी लोग होते हैं, तो सब परिवारों में कोई ना कोई किसी के लिए कोई ना कोई एक बन जाता है जो उसकी सहायता करता है, या उसकी जो है उसके मतलब कार्यक्रम में उसके सहायता भी देता है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता है। तो आप लोग एक कर के एक कर बताते चले हम लोग को तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। चलिए सबसे पहले प्रतिभा जी, हमारी कामयाबी का जो राज है और इसका जो श्रेय है वो हमारे माँ बाप को जाता है, पापा को, हमारे बिग अंकल को और हमारी मम्मी जो हमारे लिए दुआएं करते हैं कामयाबी की, जिन्होंने हमको सिखाया, हमारे पापा ने हमको बताया और हमारे अंकल उस्ताद गुलाम साहब निजामी, उन्होंने हमको बहुत कुछ बताया सिखाया म्यूजिक के बारे में। और फिर उनके बाद जहाँ के हम लोग दरबारी फकवान हैं, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, वहां से भी हमको बहुत कुछ मिला सीखने को, तजर्बा जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो ये सब माँ बाप होगी और क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग होगी माँ बाप होगी दुआएं हैं जो हम लोग चल रहे हैं जी। और श्रेय जाता है जो जिससे हम जिनसे हमने कवाली सीखी अपने फादर से और अपने ताया जी से और अपने चचा से उस्ताद मोहम्मद अकबर खान साहब, यूसुफ खान निजामी, और शास्त्रीय संगीत, जो शास्त्रीय संगीत की जो हमने तालीम ली हम भाइयों ने उस्ताद जावेद हुसैन खान साहब, उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब और गुलाम खुसरो खान साहब और उस्ताद तौफीक नियाजी जो कि मेरे मामू हैं, उनसे हमने शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। और अपने नाना उस्ताद वाहिद हुसैन खान साहब, उस्ताद मुमताज हुसैन खान साहब, जिनके हम रिकॉर्ड सुनते हैं यूट्यूब पे भी हैं, तो उनसे बहुत कुछ, उनकी दुआएं हमारे साथ रही और हम उनकी दुआओं से आगे बढ़ रहे हैं जी। कहते हैं कि खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, प्रतिभा जी खुद से चलते नहीं ये तर्ज सुखन आया है और पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। कहते हैं जिंदगी है सफर, जिंदगी एक ऐसा सफर है, कहाँ शाम होती है कहाँ सहर होती है पता नहीं होता, लेकिन जिंदगी तो चलती ही रहती है, कब हुई शाम कब हुई सहर, चलती रहती है जिंदगी। और हमारे और मुझे अब इस बारे में एक और बात आपको बतानी है कि हमें इस बात से बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इस बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से आप इधर हम सब ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताया और उन चीज़ों के बारे में बताया जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं थी। और इसलिए मुझे इस बात से और भी बहुत बहुत खुशी इसलिए हो रही है कि हमारे जो इस दशक में जो मॉडर्न संगीत जब आ गया है तो इन संगीत को थोड़ी थोड़ी छांव निकलती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें इस छांव से बाहर निकलना ही होगा और उन सारी चीजों को बाहर निकालना होगा और उसको वो हमारे जो कल्चर है ट्रेडिशन है, जैसे आपने बताया कि आपके परिवार के लोगों ने, आपके सारे परिवार के लोगों ने आप लोगों को जो आज बताया और उसकी वजह से आप लोग यहाँ आज बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है परिवार का बहुत बहुत सहयोग होता ही है और उनका जो आशीर्वाद जरूर होता है। तो इसके बाद हम लोग आपसे एक और गुजारिश करेंगे कि आपका सबसे पसंदीदा सॉन्ग या फिर जो आपको पसंद हो तो उसके बारे में, और उसको अगर गा के बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा जी। बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल वालों के लिए अंत में लास्ट में हम जो पेश करेंगे वो एक ऐसा फोक कलाम है, कव्वाली है, जो कि हर एज के लोगों को पसंद आता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल वालों के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि तुम ना मानो मगर हकीकत है, तुम ना मानो मगर हकीकत है, और इश्क इंसान की जरूरत है, और इनकी महफिल में बैठकर देखो, बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल वालों की महफिल में बैठकर देखो,
ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। वाओ, बहुत खूब बहुत खूब। तो यशपाल शर्मा जी, सुमन शर्मा जी और सारे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल के जितने भी हमारे आयोजक जुड़े हुए हैं, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और उन सब लोगों को, उन सब की वजह से आज हम इधर जुड़ पाए हैं। और मैं उनका सब धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस तरह का प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए मुझे दिया। ये भी बहुत मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और इस बारे में मुझे एक बात और भी अच्छी लगती है, वो ये कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक परिवार की तरह है और इस परिवार में सारे लोग जुड़े हुए भी हैं और इस परिवार के सारे लोग इस तरह से काम करते हैं, सब लोग मिल करके ऐसा परिवार, क्योंकि उनका भी एक जो श्रेय है, इसलिए उनका भी उद्देश्य यही है कि सारे संसार में इसको फैलाएं। तो अब आखिरी में आप लोग क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, वो जरूर बताएं। और लास्ट में कव्वाली पेश करेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम इख्तिताम करेंगे। हो लाल मोरी पतिल रखियो बालार भूले लाल हो सिंदरीदार दास की शाबाज बलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैन लाल कलंदर लालो दा लाल कलंदर सिंदरी दा महाराज कलंदर हो लाल मोरी पत्ते रखियो बालाल भोले लाल हो सिंदरी दा देवल दा की शाबाद कलंदर हक दमा दम मस्त कलंदर चारु चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आया बाला झूले लाल ओ सिंदरी लाल सभी शाबाज कलंदर हक दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैन लाल कलंदर ओ लाल मोरी ओ लाल मोरी। वाह, बहुत बहुत खूब बहुत खूब। आप लोगों ने तो हमारे आज जी को प्रसन्न कर दिया, बहुत खुशी हुई हमें आप लोगों को देख करके। और काश हम लोग से आप लोग से लाइव में मिल सकते तो बहुत खुशी होती, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को भी। और आप लोग जरूर अगर इसका प्रचार भी कर सकते हैं, आप लोग बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो अगर आपके जान पहचान के भी लोग हो, किसी को भी हो, आप लोग जरूर एंट्रीज वगैरह भेजें। 30% ऑफ ही मिल सकती है आप लोगों को। और बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल अभी इनका एक नया शो भी आने वाला है और बहुत सारे शोज भी हो रहे हैं उनके, और आप लोग जुड़े उनसे और उनके लिए प्रार्थना भी करें और उनके लिए कि ये सब संसार में पहले। और बहुत इस तरह का जो प्लेटफॉर्म बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने दिया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसके लिए, इसको करने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और थैंक यू प्रतिभा सुमन शर्मा जी और यशपाल शर्मा जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद टू क्रिएट दिस बिग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस। तो अभी आपने बोला, जैसे जी अभी आपने बोला कि जिंदगी में मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल वालों से भी और प्रतिभा जी आपसे भी जी। तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि जिसकी उम्मीद नहीं वो बात भी हो जाती है, जिसकी उम्मीद नहीं वो बात भी हो जाती है, और जिंदगी है तो मुलाकात भी हो जाती है। और यादें महबूब में भर आती है आंखें अक्सर, सावन आता है तो बरसात भी हो जाती है। वाओ, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा तो लगता है कि आप लोगों से बातें होते ही रहें, परंतु हमारे पास अभी समय की कमी है और इसलिए हमें आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। और अब हम सब फिर मिलेंगे कभी, और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बहुत 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 धन्यवाद, और आप लोगों का भी धन्यवाद जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने की मिली है। तो धन्यवाद, और आप सब लोग बेस्ट विशेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आवर ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस, बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you. Hello and namaste again. Thank you for watching Let's Talk from Bollywood International Film Festival show. It's my great honor and privilege to introduce to you again Bollywood International Film Festival, which is in its fourth year. And it's such a great honor for us to be associated with Bollywood International Film Festival. And again, it's an opportunity for all those people who are interested in movies, music videos, their films, feature films, short films, documentary films, or any type of films that they are interested to send their entries to Bollywood International Film Festival. You never know, you may be the one next winner. So try to go on those websites. So Bollywood International Film Festival, they submit your entries. And if you submit your entries now, you will get 30% discounts. And also, it's a great opportunity to introduce to you also that the sponsors and the promoters of this show is Fine Grain Films, Anand Studio, Yash Vidya Films, Film Freeway, A3P Connections, and also great honor to give to our promoters and initiators and the backbone of Bollywood International Film Festival, Pratibha Suman and Yashpal Sharma ji. Thank you for giving me this opportunity to be here talking to you on Let's Talk. Again, send your entries to this website, BIFF Mumbai or Film Freeway. You can also send your entries to WFCN, Fest Home, Film Freeway, BIFF Mumbai. See you there. See your entries. Until then, have a wonderful time and let's watch another show of Let's Talk.